हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वीडियो का शुरुआत देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं मेरे गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ। और वेलकम बैक टू दासन हिल्स। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल वेस्ट बंगाल में, इसलिए घर बैठे बैठे क्या करें, इसी का रिव्यू कर लेते हैं। और हाँ, मैं स्प्लेंडर प्लस का स्पेशल एडिशन यूज़ करता हूँ। इस गाड़ी को मैंने 1 ईयर 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैं लोन पे दिया था, EMI पूरा ख़त्म हो चुका है, फोल्ड क्लोज कर दिया हूँ उसको। अगर फोल्ड क्लोज के बारे में आपको जानना है तो हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम डिटेल्स में आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। और दूसरी चीज़ जो है, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मेरा चैनल कस्टमाइज हो गया है अभी फ़िलहाल, http://www.youtube.com/c/dasonwheels लिखने के बाद ही मेरा चैनल आ जाएगा। ये कस्टमाइजेशन हो चुका है, थैंक यू फॉर दैट। और ये गाड़ी का रिव्यू आज दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड i3s कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसका मैक्सिमम पावर है 8.36 PS एट द रेट ऑफ 8000 RPM। मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 5000 RPM। कंप्रेशन रेशियो की अगर बात किया जाए तो 9.9:1। बोर एंड स्ट्रोक की बात किया जाए तो 50.0 × 49.5 mm। फ्यूल टैंक 11 लीटर, जिसका रिजर्व है 1.1 लीटर, जो यूजेबल है क्योंकि ये कार्बोरेटर इंजन है। टायर साइज का अगर बात किया जाए तो इसमें 80x100 फ्रंट एंड रियर दोनों में ही 80x100 ट्यूबलेस टायर मिलता है। दोनों का बीच में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो टायर प्रेशर का डिफरेंस है, फ्रंट में 28 और रियर में 32। इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है IBS के साथ। IBS का मतलब है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ब्रेक रेशियो 40:60 डिवाइड रहता है। पीछे का ब्रेक मारने से फ्रंट और बैक दोनों में एक साथ ब्रेक लग जाता है। पहला चीज़ जो आता है माइलेज। इसका माइलेज बहुत ही तगड़ा है, आराम से 60 से 70 का आसपास माइलेज दे देता है। मतलब सिचुएशन ऐसा हुआ कि हमको माइलेज नापने की ज़रूरत भी कभी नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ जो है इसका मेंटेनेंस। इसका रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो 500 से 600 के बीच में माइलेज मोबिल चेंज करना पड़ता है। मैं सेमी सिंथेटिक डालता हूँ, सिंथेटिक इसमें नहीं डालता हूँ क्योंकि ये 100 cc का इंजन है। और दूसरी चीज़ जो है इसका पार्ट्स बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका रेगुलर बेसिस में सिटी में ड्राइव करने के लिए या फिर लॉन्ग में जाने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन सिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम है। दूसरा चीज़ जो है इसमें लोडिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है। लोडिंग मतलब समझ लो, ठीक है, गाड़ी में 3 आदमी बैठाना है तो मत बैठो यार, ये इलीगल है। आप अगर जोमेटो में काम करते हो, ओला में काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट गाड़ी है, जैसा माइलेज देगा ऐसा बहुत ही अच्छा है। नेगेटिव चीज़ हमको जो लगा है इसका, उसमें सबसे पहले जो है इसका सर्विस। हर एक हीरो का सर्विस सेंटर में आपको अच्छा बर्ताव नहीं मिलेगा, बीएबीआर सब सर्विस सेंटर में अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम में बिकती है तो एज यूजुअल आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है ये फर्स्ट गियर में 10, सेकंड गियर में 20, थर्ड गियर में 30 और फोर्थ गियर में 40, उसका ऊपर नहीं जाता। अगर उसका ऊपर खींचने की कोशिश करोगे जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाएगा। और मेरा साथ जो हुआ है इसमें बहुत जल्दी रास्टिंग प्रॉब्लम आ गया, आप वीडियो में देख सकते हो। ये रास्टिंग प्रॉब्लम क्यों आया है, इसको मेरा गाड़ी बाहर में रहता है लेकिन पूरा कवर के साथ रहता है, फुल कवर में रहता है, लेकिन फिर भी इसमें रास्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को अगर पता है किसकी वजह से ये आ रहा है, क्यों आ रहा है ये वाला रास्ट, क्यों ये रास्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और
वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि वो अभी फिलहाल पर्सनलाइज्ड में रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, आप अगर चाहते हैं लॉकडाउन के बाद आपका गाड़ी का रिव्यू हो तो नीचे दी डिस्क्रिप्शन पे दी हुई या स्क्रीन पर आई हुई जीमेल पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।